हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका शमी फैशन चैनल पे। और आज हम जी ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे, पैच वर्क रेडी करेंगे नेक पे ऊपर। और ये मेरे पास कपड़ा है कॉटन का, और इस कपड़े के साथ ये बड़ा बॉर्डर था, तो ये मैंने आधा इंच कपड़ा इसके साथ रख के इसकी कटिंग कर ली है, इस कपड़े से अलग कर लिया है। और हम आज इस बॉर्डर मोती और लैस से ब्यूटीफुल नेक रेडी करेंगे, ये पैच वर्क बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने इस कपड़े को इस फ्यूज पेपर पर चिपका लिया है, तो इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच है, इस तरफ हमने 5 इंच रखा है, और लेंथ इसकी 14 इंच है। इस तरह से हमने ये पैनल रेडी करना है। तो सबसे पहले हमने ये पट्टी जो है इसके सेंटर में अटैच करनी है, क्योंकि सेंटर में हमें जो प्लेन कपड़ा चाहिए था, मेरे पास ज़्यादा पीस जो है ब्लू कलर का नहीं था प्लेन, तो मैंने इस तरह से इसके सेंटर में रख के इस पर सिलाई कर दूँगी, और बाद में हम इस पर लेस लगाएंगे। इस तरह से बस दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस कपड़े पे। और अब इस पीस पर मैंने सेंटर पर ऐसे निशान लगा लिया है और क्रीज भी बना ली है, और इसके एक तरफ हम ये लेस अटैच करेंगे कटवर्क वाली। और अब इस एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे नीचे से, और इसके दूसरी तरफ भी इस तरह से ही लेस लगाएंगे। यहाँ पर हमारी दोनों तरफ लैस लग गई है, और अब हम इस पे ये बॉर्डर अटैच करेंगे, लैस को थोड़ा सा दबाते हुए बॉर्डर पे, और लैस के ऊपर इस तरह से रखेंगे। थोड़ी सी लैस ही हमें इसके नीचे दबानी है, और इस पर सिलाई लगा देंगे। और अब हमें जो ये लेस के कट बने हुए हैं इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, इस तरह से पूरी लेस के ऊपर दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है लेस के ऊपर, और अब ये जो प्लेन कपड़ा है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, आधा आधा इंच की हमारी ये पाइपिंग रह जाएगी, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ ही हमें ये पाइपिंग रखनी है मोटी वाली। और अब हम इस पैनल के नीचे वाली तरफ भी बॉर्डर अटैच करेंगे, और इस बॉर्डर को इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर बॉर्डर की उल्टी साइड है और इस पैनल की सीधी साइड, और इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। और अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे इस तरह से। और अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, पहले इस तरफ और फिर इस तरफ, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। कोना जो है अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के साथ इस तरह से।
और यहाँ पर हमारा ये पैच रेडी हो गया है। और अब हम इसको कमीज़ पर अटैच करेंगे। ये हमारा कमीज़ का आगे वाला पल्ला है और इसके ऊपर पहले हम सेंटर में हमने मार्क कर लिया और ऊपर से 4 इंच पर इससे निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस पैनल को सेट करेंगे। और कमीज़ के सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है, क्रीज भी बना ली है और निशान भी लगा लिया है। और सेंटर में हम इस तरह से पहले बड़ी सिलाई से ऐसे अटैच कर लेंगे इसे, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में रहे। और ये देखिए, नीचे से ही हमारा सेंटर का निशान दिखाई दे रहा है। और अब हम इस पैनल के बाहर वाली तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे इसके और इसे कमीज़ पर ऐसे अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये हार्ट शेप नीचे से थोड़ा सा नेक जो है कटिंग कर ली है नेक की, और अब इसे कपड़े पर ऐसे सेट करेंगे। आप जो है राउंड नेक भी बना सकते हैं इस पर, अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है नेक इस पर रेडी कर सकते हैं इसके ऊपर अटैच करने के लिए। और यहाँ पर हम नेक का कपड़ा जो है फोल्ड कर देंगे इसके राउंड में इस तरह से। और यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है और इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और इस तरह से कमीज़ के सेंटर में भी हमने कट लगा लिया है। और यहाँ पर इसके सेंटर में नेक को रखेंगे और इसके कमीज़ के ऊपर अटैच कर लेंगे। पहले हम सेंटर में एक रफ़ सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा नेक हिले ना। यहाँ पर नेक हमने कमीज़ पर अटैच कर लिया है और अब हम इसके बीच में जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के बाकी पूरा कपड़ा कट कर देंगे। और इसके बीच में हम कट लगा लेंगे सेंटर में भी और गोलाई में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारा सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और यहाँ पर पहले जो इसके बीच में लैस है वो थोड़ी मोटी हो रही है इस तरह से, और उसे हम कट कर लेंगे अंदर से और इस पर कट लगा देंगे। और अब हम इसे टर्न करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। और यहाँ पे हमारा नेक जो है बन के रेडी हो गया है। और आप चाहो तो इस पे कोई भी बटन अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मोती वाले जो बटन हैं वो अटैच किए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर लिए हैं और बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।